हाँ जी जी मैं सुच्चा सिंह निवासी बेली जट्टा तहसील फतेहपुर के अधीन मंड क्षेत्र का युवा किसान निवासी हूँ। सो मेरी माननीय सीएम साहब श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन है कि जो हमारी गेहूं की फसल है वो इस समय बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है और ऊपर से मौसम की भी मार पड़ रही है और जो कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है उसका खास हमारी फसलों पे असर पड़ रहा है। जो कि हमारी फसलों का मंडीकरण है वो पंजाब में होता था, तो अभी जो बॉर्डर सील कर दिए गए हैं हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हमारा हिमाचल प्रदेश का कोई भी मंडीकरण सुविधा नहीं है इधर। सो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि हमें कोई ना कोई मंडीकरण की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवाई जाए जिससे कि हमारी फसलों का मंडीकरण हो सके। मैं भुवनेश कुमार राणा, ग्राम पंचायत रियाली, तहसील फतेहपुर और ज़िला कांगड़ा। हाँ जी, मैं एक किसान हूँ और हमें फसलों की कटाई के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बाहर से कोई भी फसल हमारी तैयार है, बाहर से कोई मशीन नहीं इधर आने देते। मेरी प्रशासन से बेनती है। हाँ जी, और भी कोई समस्या है जैसे कि कोई मंडीकरण की? मंडीकरण का इधर कोई प्रबंध नहीं है। मैं सेवा सोसाइटी प्रधान गुरमुख सिंह, आज मैं अपने मंडी क्षेत्र का दौरा कर रहा था और अलग अलग जिमींदारों से मिला। उनकी मुख्य समस्या यही है कि अभी गेहूं की जो फसल है वो कट के पक के तैयार हो चुकी है और कटाई के लिए उचित साधन नहीं मिल रहे। जो पिछले समय जो कटाई होती थी वो पंजाब से हार्वेस्टर आती थी और कटाई हो जाती थी। अगर यहाँ पे जो लोकल मशीन है वो उतना काम नहीं कर पाएंगी, मेरी एसडीएम साहब और सीएम साहब श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन है कि जो हमारी किसानों की समस्या है इनका समाधान किया जाए। और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हिमाचल में मंड क्षेत्र का जो अनाज है इसकी अगर सही बरतों की जाए तो ये पूरा साल हिमाचल को बैठा के खिला सकता है, जो कि सारा का सारा मंडीकरण पंजाब में होगा। सो ये दो विषय हमारे, एक तो फसल कटाई का, ऊपर से जो मौसम का मिजाज है वो भी बहुत ख़राब है। रियाली से प्रधान रमेश चंद, ब्लॉक फतेहपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जो मेरा इलाका है वो करीब 90% किसान तबका है, जहाँ 10% ही अप्लाई करने जाते हैं। तो जहाँ हमारी जो समस्या है इस समय फसल की कटाई की चल रही है, फसल की जो हमारी फसल होती थी जो पहले सारी हमारे साथ एक पंजाब बाउंड्री है, हमारे जितने भी किसान हैं वो सभी पंजाब में ही मंडीकरण करते थे। लेकिन अब जो महामारी देश में चली हुई है कोरोना के प्रति, उससे हमारी सीमा में जो लॉकडाउन हो गया है तो हमको आने जाने में समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। कृपा करके हमारी सरकार से प्रशासन से यही गुहार है कि हमारे जो किसान हैं जो अनाज यहाँ निकलेगा उसका कोई ना कोई खरीदना का प्रबंध किया जाए।